रात के वक्त मीरपुर और फतेहपुर की सड़कें बहुत ही वीरान और खौफनाक होती थी। कोई भी वहां आने जाने से कबल 10 मरतबा सोचा करता था और इसकी वजह था भूतिया सुअर। प्रदीप इस बात से बेखबर था, इस इलाके में वो नया था। एक रात वो अपनी फटफटी पर तेजी से जा रहा था कि यकायक भूतिया सुअर ने उसकी फटफटी को टक्कर मार दी और वो उछल कर फटफटी से नीचे गिर गया और उसके रूबरू बेहद खौफनाक भूतिया सुअर था जो उसे घूरे जा रहा था। प्रदीप को भूतिया सुअर से खौफ तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने पत्थर उठाकर सुअर के जाने फेंका। भाग भाग जा यहां से। लेकिन प्रदीप को कहां इल्म था कि इससे वो भूतिया सुअर के गुस्से में और इजाफा कर रहा है। उस भूतिया जंगली सुअर ने प्रदीप पर हमला किया और प्रदीप के जिस्म का बोटी बोटी कर दिया। कहीं उसका हाथ गिरा तो कहीं पैर, कहीं उसकी गर्दन, हर जगह सिर्फ खून ही खून था। अगली सुबह जब गांव वालों ने प्रदीप के जिस्म का ये हश्र देखा तो वो सब हक्के पक्के रह गए, मानो जैसे खून की होली खेली गई हो। ये मंजर बहुत ही दर्दनाक था। गांव वाले इसे देख भी नहीं पा रहे थे। गांव वाले एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि वो इस परेशानी का हल निकालेंगे और इसीलिए वो फकीर बाबा से मिलने निकल गए। फकीर बाबा अपने बारामदे में बैठे थे। बाबा जी, अब आप ही हम सबको उस भूतिया सुअर के कहर से बचा सकते हैं। देखता हूं वो कौन है। फकीर बाबा ने अपने कलमे पढ़े और सामने रखे प्याले पर हाथ घुमाया। हाथ घुमाते ही उस प्याले से धुआं उठने लगा और प्याले के पानी में कुछ नजर आने लगा। कुसुम एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। कई लड़कों की उस पर बुरी नजर थी। ओए होए, क्या माल है, ये हासिल हो जाए तो बस जिंदगी संवर जाएगी। कुसुम ने इन सभी को नजरअंदाज किया। लेकिन एक रात जब कुसुम तन्हा गांव लौट रही थी तो इन लफंगों ने कुसुम को अगवा कर लिया। उन लोगों ने कुसुम के साथ बहुत बुरा किया और उसे अधमरी हालत में नहर के पास छोड़ दिया। बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। कुसुम की मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। वो तड़पती रही, वो मरने ही वाली थी कि उसके पास एक जंगली सुअर आया। सुअर कुसुम को सूंघने लगा। मेरा ये हश्र उन दरिंदों ने किया है, मैं उन्हें नहीं बख्शूंगी, हरगिज़ नहीं बख्शूंगी। कुसुम की रूह जिस्म से जुदा हो गई और उसकी रूह उस जंगली सुअर के जिस्म में दाखिल हो गई। जंगली सुअर भूतिया सुअर में तब्दील हो गया। सुअर की आंखें सुर्ख हो गईं और अब वो इंतकाम की आग में जलने लगा। फकीर बाबा और गांव वालों को भूतिया सुअर की असलियत का इल्म हो गया। तो उस भूतिया सुअर में कुसुम की रूह है और वो अपने साथ हुई ज्यादती का इंतकाम ले रही है। लेकिन वो भूतिया सुअर भोले भाले लोगों को भी नहीं बख्श रहा, क्या हम भूतिया सुअर का खात्मा नहीं कर सकते? ये भूतिया सुअर बेहद ताकतवर है, ये इंतकाम की आग में जल रहा है। जब तक इसका इंतकाम मुकम्मल नहीं होगा, कुसुम उस सुअर के जिस्म को नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? तुम्हें दोनों गांव के लड़कों और मर्दों को अमावस की रात को इकट्ठा करना होगा। मैं कुसुम की रूह को वहां बुलाऊंगा। जब उसके रूबरू वो शख्स होगा जिसने उसकी जिंदगी तबाह की, वो उससे अपना इंतकाम ले लेगी और फिर चली जाएगी। यही एक रास्ता है भूतिया सुअर से निजात पाने का। ठीक है बाबा जी, मैं दोनों गांव वालों को पूजा के बहाने इकट्ठा करता हूँ। मुखिया जी,
अपने गांव लौट आए। सभी गांव वालों को आने वाली अमावस की रात को इकट्ठा होना है। फकीर बाबा उस भूतिया सुअर का खात्मा करने वाले हैं और इसलिए हर किसी को आना होगा। ठीक है, हम सब जरूर आएंगे। मुखिया जी ने यही खबर पास वाले गांव में भी भेजा। वहां के लोग भी भूतिया सुअर से परेशान थे, तो वो भी अमावस की रात आने को राजी हो गए। आखिर अमावस की रात आ गई। सारे गांव वाले उसी जगह इकट्ठा थे। सभी के हाथों में मशालें थी और कुछ देर बाद फकीर बाबा वहां हाजिर हुए। क्या सब लोग आ चुके हैं? हाँ, सभी लोग यही हैं। ठीक है, तो मैं अपना अमल शुरू करता हूँ। फकीर बाबा एक दरख्त के नीचे बैठ गए। शुरू अल्लाह के नाम से, मेरे करीम, मेरे रहीम, अपनी रहमत हमेशा सब पर बनाए रख। तो ही बादशाह है ये तेरी सल्तनत, मैं तेरा खादिम हूँ। मेरी खिदमत कबूल कर, इन सब को उस भूत या सुअर से निजात दिलाने में मेरी मदद कर। फकीर बाबा ने अपनी झोली से एक कांच की शीशी निकाली और उसमें से थोड़ा सा इत्र अपने हाथों पर लगाया और फिर अपने झोले से एक खंजर निकाला। कसम, मेरे रूबरुआ, कसम। ये बोलते बोलते फकीर बाबा ने अपने खून का एक कतरा जमीन पर डाल दिया और खून के उस कतरे के जमीन पर गिरते ही आंधी चलने लगी। वीरान जंगल में हलचल मच गई और किसी के रफ्तार से दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी और अब वो भूतिया सुअर सबके रूबरू था। कसम, मुझे इल्म है कि तूने इस जंगली सुअर पर काबू कर रखा है और तूने ही सभी लोगों को मारा है, लेकिन अब बस मासूम लोगों की जान लेना बंद कर दे। सुअर गुस्से से फकीर की जानिब देखने लगा। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तुझे इंतकाम चाहिए और मैं वो तुझे दिलाऊंगा। देख, दोनों गांव के सभी मर्द यहाँ हैं, तेरा मुजरिम भी यही है, पहचान उसे और सिर्फ उसी से इंतकाम ले। फकीर के ऐसा बोलते ही सुअर गांव वालों की जानिब देखने लगा। एक शख्स को उसने पहचान लिया और अपनी पूरी रफ्तार से उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो शख्स खौफ से कांप रहा था। भूतिया सुअर ने उस शख्स पर हमला किया, उसके जिस्म पर सवार होकर उसके जिस्म को फाड़ दिया। गांव वाले ये सब देख कर खौफजदा हो गए और फिर भूतिया सुअर ने दूसरे शख्स को भी तलाश लिया। इस शख्स को उसने जोर से टक्कर मारी। आदमी दरख्त से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। सुअर इस शख्स को बार बार टक्कर मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। फिर वो जंगली सुअर बेहोश हो गया। कसम का इंतकाम मुकम्मल हुआ, अब वो जा चुकी है। इस जंगली सुअर को जंगल में छोड़ दो। इन दोनों ने उस बेचारी के साथ बहुत गलत किया था। इनका यही हश्र होना चाहिए था, कि अब कुसुम की रूह वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं, अब वो जा चुकी है अपने खुदा की पनाह में। फकीर बाबा वहां से चले गए और फिर जंगली सुअर का नाम कभी किसी की जुबां पर नहीं आया।